ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले तिब्बत की राजधानी लासा में बौद्ध भिक्षुओं के दो आश्रम थे। जो बड़ा आश्रम था मुख्यालय वो लासा में था और उसकी एक छोटी सी शाखा कहीं दूर गांव में थी। जो छोटी शाखा थी उसका जो लामा था, जो प्रमुख था, वह वृद्ध हो गया था, मृत्यु करीब थी। उसने सोचा कोई उत्तराधिकारी हो, और क्योंकि वो छोटी शाखा थी, छोटा आश्रम था, वहां पर ज्यादा भिक्षु नहीं थे, तो उस लामा ने सोचा क्यों ना जो मुख्यालय है जहां पर बहुत सारे सन्यासी हैं, उनमें से किसी एक को बुलाया जाए और इस छोटी शाखा का, छोटे आश्रम का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो वो अपने एक शिष्य को उस मुख्यालय में भेजता है। यात्रा बहुत लंबी थी, कई हफ्ते उस शिष्य को उस मुख्यालय में पहुंचने के लिए लग गए। पहुंचने के बाद जो मुख्यालय है उसके लामा से यह शिष्य मिलता है और कहता है कि हमारे आश्रम के जो लामा है, जो प्रमुख है, मरणासन्न है, कृपया कोई योग्य शिष्य आपका होगा तो उन्हें मेरे साथ भेजिए ताकि वहां का कार्यभार वो संभाले। तो जो मुख्य लामा होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ मेरे 10 शिष्यों को भेजूंगा, परंतु ये शिष्य कहता है मुझे 10 की नहीं, एक की ही आवश्यकता है। तो वो कहते हैं परंतु चिंता नहीं करो, पहुंचेगा एक ही। तो दूसरे दिन वो 10 शिष्य, वो 10 भिक्षु और ये दूसरा शिष्य निकल पड़ते हैं। यात्रा बहुत लंबी थी और चलते चलते उन 10 में से एक शिष्य सोचने लगता है कैसा मेरा जीवन रहा आश्रम का, कैसा वो कठोर जीवन रहा, सुबह सुबह उठ जाओ अमृत वेले, ध्यान के लिए बैठो, फिर प्रवचन सुनो और फिर सारे दिन भर सेवाएं करो, फिर शाम को वापस ध्यान में बैठो, फिर प्रवचन सुनो, फिर किताबें पढ़ो, शास्त्र पढ़ो और वही वही बातें और वही वही शास्त्र, और ये कैसा कठोर जीवन है और कोई पूछता तक नहीं, भोजन भी इतना कुछ ठीक नहीं। तो वो सोचता है मुझे कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए और सोचता है कि जिस रास्ते से वो चलते हैं उसके ही थोड़े पास उसका लौकिक घर होता है और उसके गांव को देखकर उसको अपना घर याद आ जाता है और वो साथियों से कहता है तुम सब लोग आगे चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। साथी समझ लेते हैं शायद अब ये नहीं आएगा। काफिला आगे बढ़ता है, थोड़े समय के बाद, एक आध हफ्ते के बाद
दूसरा एक शिष्य जो होता है वो सोचता है ये कैसा जीवन है आश्रम का, कितने सालों से वहां पर हूं, सेवाएं कर रहा हूं, साधनाएं कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, परंतु कोई उन्नति का लक्षण दिखाई नहीं देता। तो वो कहता है कि यहां से मेरा गांव भी थोड़ी ही दूर पर है और मैं चाहता हूं कि कुछ दिन अपने गांव में बिताऊं। मेरी बूढ़ी माँ है, उसका कोई सहारा नहीं है, मैं उसके साथ कुछ दिन रहता हूं फिर आ जाऊंगा। परंतु मन में उसके कुछ और संकल्प चल रहे होते हैं, सोचता है थोड़ा धन भी कमा लूं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है अध्यात्म का। तो वो बीच में रुक जाता है। सारे शिष्य और आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक शिष्य होता है, चलते चलते उसके मन में भी कुछ हलचल होने लगती है। और तभी राजा के तीन सिपाही वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं कि राज पुरोहित की मृत्यु हो गई है और राजा की आज्ञा है जो भी भिक्षु इच्छित है वो राज पुरोहित बन सकता है। तो अचानक एक शिष्य के मन में मोह जागता है, वो सोचता है कब तक ये कठोर जीवन जिए, क्यों ना मैं राज पुरोहित बन जाऊं, कम से कम सुख सुविधाएं और आराम तो होगा। यहां पर सब अपने हाथ से करो, बर्तन धो, कपड़े धोना, दिन भर सेवाएं करना, जंगल में लकड़ियां काटना। तो वो शिष्य भी उन सैनिकों के साथ चला जाता है। काफिला और आगे बढ़ता है और चलते चलते एक स्त्री बीच में आती है और वो कहती है कि मेरे पिता कब से घर से बाहर चले गए हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है और अभी रात होने वाली है, यदि तुम में से कोई एक यहां पर रुक जाए मेरे साथ मेरी कुटिया में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जंगल घना है, जंगली जानवर है। तो एक शिष्य होता है, उसके मन में हलचल, सोचता है कब से जब देखो तब ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, दिन रात ब्रह्मचर्य की शिक्षाएं दी जाती है, फिर भी संसार तो विकारों में डूबा हुआ है, कुछ तो होगा। मन में हलचल और वो शिष्य वही रह जाता है। काफिला और आगे बढ़ता है, पांच शिष्य रह जाते हैं। एक बहुत सुंदर बाजार आता है और बाजार में तरह तरह की चीजें होती है, तरह तरह के कपड़े होते हैं। तो एक शिष्य को लगता है कि आश्रम के वही वही कपड़े, कभी रंगीन देखने को नहीं मिला, बचपन से आए तब से वही सफेद, कुछ तो जीवन में रंग हो, कुछ तो रौनक हो, कुछ तो कुछ और हो। और उस कपड़ों के बाजार में वो घूमने निकलता है और कहता है मैं कुछ थोड़ा देर के बाद आता हूं। वो वहीं रह जाता है और काफी आगे बढ़ता है। एक दूसरा गांव आता है जहां पर कारीगरी की बहुत सारी चीजें सामान होते हैं। तो एक शिष्य सोचता है इतने भिन्न भिन्न सामान, इतनी वैरायटी संसार में है और हम आश्रम में बैठ के संसार से दूर इन सारे सुखों से वंचित हैं।
क्यों ना हम भी इनका प्रयोग करें। वो सोचता है कुछ देर मैं यहां रहता हूं, आप लोग आगे जाओ। बाकी शिष्य आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देर, कुछ हफ्ता और बीत जाता है, एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव का ऐसा नियम होता है, वो राजा इतना उदार होता है कि हर दिन जो साधु है, जो भिक्षु है, उनके लिए मुफ्त भोजन और हर दिन अच्छा अच्छा भोजन। एक शिष्य के मन में हलचल आती है, कब तक वही वही भोजन आश्रम का खाते रहूं? दिन फिक्स है, भोजन फिक्स है, नाश्ता फिक्स है, कुछ तो वैरायटी चाहिए। तो उसके मन में हलचल होती है, वो कहता है मैं यहीं रह जाता हूं, एक दो दिन गुजार के मैं आ जाऊंगा। और आगे चलते हैं, तीन बज जाते हैं, एक किसान मिलता है और एक शिष्य की उस किसान के साथ बहुत घनी दोस्ती हो जाती है। कई दिनों तक साथ चलते हैं और वो शिष्य कहता है कि मैं इस अपने मित्र के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं, आप लोग आगे जाओ। अब केवल दो ही बच जाते हैं, आश्रम नजदीक था और आश्रम के ही बाहर एक गांव था। और जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, वो लोग कहते हैं अरे तुम कहां जा रहे हो इस आश्रम में? वो जो लामा है, वो जो प्रमुख है, वो जो इंचार्ज है, बड़ा ही दुष्ट है, बहुत तंग करता है, उसके साथ जितने शिष्य थे अब तक सब एक एक करके छोड़ के गए हैं, गलती से भी वहां मत जाना। और इस तरह की बहुत सारी बातें वो वहां सुनता है और डर जाता है और पूछता है और क्या है, वो वहीं रह जाता है। एक ही बचता है और वो एक उस आश्रम तक पहुंचता है और आश्रम में पहुंचने के बाद एक दो शिष्य वहां होते हैं, वो कहते हैं बाकी सब लोग कहां चले गए, क्या उन सब ने तुम्हें छोड़ दिया? तो ये दसवां शिष्य बहुत ही संवेदनशील होता है, जैसे ही उसको पता चलता है मेरे सारे साथियों ने छोड़ दिया और उसको उन सभी साथियों से बहुत प्यार होता है, वो सोचता है मैं भी यहां रह के क्या करूंगा, और वो भी चला जाता है। बचता वही जो लेने गया था। और वो लामा कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ही योग्य हो, और वो बाकी एक एक करके खो गए। जीवन की इस अनंत यात्रा में हम भी किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और बीच में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आती है और हमें रोकती है, भटकाती है, और यदि उनको समझने की, जानने की, उनका निवारण करने की हमारे पास योग्यता ना हो, शक्ति ना हो, ज्ञान हो, ज्ञान हो पर वो अधूरा ज्ञान हो, तो हमारी स्थिति शास्त्रों में वर्णित उस अभिमन्यु की तरह है, जिसे ये तो पता था कि कौरवों ने रचे हुए उस चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करे, साहस था, विक्रम था, पुरुषार्थ था, पराक्रम था, परंतु हाफ नॉलेज था, अर्ध सत्य अर्ध ज्ञान, और वो अंदर तो चला गया परंतु बाहर नहीं आ पाया। इस ब्राह्मण जीवन में भी कईयों की स्थिति उसी अभिमन्यु की तरह है जो कि अर्जुन पुत्र था, और जब वो चक्रव्यूह में गया था उसके पिता वहां नहीं थे। अकेला गया, फंस गया, निकल नहीं पाया
और अंततो गत्वा वीर गति को प्राप्त हुआ। क्या इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसे कुछ चक्रव्यूह है जिसमें एक ब्राह्मण आत्मा जिसने अपने जीवन को प्रभु अर्पण किया है, ऐसा समर्पणमय जीवन करने वाली श्रेष्ठ योगी ब्राह्मण आत्मा, क्या ऐसी आत्मा भी इस लंबे प्रवाह में कभी किसी चक्रव्यूह में फंस जाती है? चाहे वो कितना भी महारथी हो। अभिमन्यु इतना श्रेष्ठ था कि द्रौपदी ने कभी कहा था, यदि तुम पांडव कायर हो और तुम कौरवों से डरते हो युद्ध करने से, तो मेरा पुत्र अभिमन्यु की अध्यक्षता में मेरे बाकी पुत्र कौरवों से लड़ाई करेंगे। इतना वो शक्तिशाली था। परंतु फिर भी हार हुई। अंदर तो चला गया परंतु निकल नहीं पाया। अर्ध सत्य, क्योंकि जब गर्भ में था और जब ज्ञान सुनाया जा रहा था तो क्या हो गया? सो गया। जब परमात्मा महावाक्य चल रहे हैं, जब प्रातःकालीन प्रभु के महावाक्य चल रहे हैं, मुरली की मधुर झनकार उठ रही है और आत्मा सो जाए तो क्या होगा? ज्ञान भी अधूरा ही धारण करेगी और फिर ऐसे आने वाले चक्रव्यूह में फंसेगी और निकल नहीं पाएगी। तो आज हम इस क्लास में ब्राह्मण जीवन में आने वाले ऐसे 10 चक्रव्यूह की चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में अक्षरमाला है ABCD, उसी के आधार से ऐसे 10 चक्रव्यूह जिसमें आत्मा अपूर्ण ज्ञान की वजह से फंस जाती है और फिर निकल नहीं पाती है और त्राही त्राही चिल्लाती है। सारा खजाना भगवान ने दे दिया है। अभी अभी मुरली चली यहाँ पर 18 मार्च 2008 की, भगवान ने सारा खजाना दे दिया है, खजानों के मालिक ने सारे खजाने दे दिए, परंतु सबके पास खजाने अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? कुछ इन प्रश्नों के उत्तर इस चर्चा में हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहला चक्रव्यूह ए, जिसमें वो पहला शिष्य थक गया था, वो पहला शिष्य आराम चाहता था, वो पहला शिष्य उस आश्रम के जीवन की कठोरता से उब गया था और वो फंसा था आलस्य और अलबेलेपन के चक्रव्यूह में। तो इस ब्राह्मण जीवन का एक चक्रव्यूह जो है और जिसमें आत्मा अंदर घुस जाती है और ऐसी फंसती है कि निकल ही नहीं पाती, वो आलस्य का चक्रव्यूह है, वो आरामदायी जीवन का चक्रव्यूह है, अलबेलेपन का चक्रव्यूह है। मुरली में बाबा ने कहा, तुम मुक्ति दाता हो, क्या तुम्हें आवाज नहीं आती दुख की, अशांति की? पहले स्वयं को कारण शब्द से मुक्त करो, तभी तुम दूसरी आत्माओं को मुक्त कर सकोगे। हे मुक्ति दाता, जिन्हें आवाज नहीं सुनाई देती वो आलस में डूबे हुए हैं, वो अलबेलेपन में है, गफलत में है। समय है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, महान पुरुषार्थ का। भगवान कह रहा है और उसके महावाक्य यदि हमारे कानों में
झनकार उत्पन्न नहीं करते, करंट नहीं उत्पन्न करते और सोई हुई चेतना को नहीं जगाते। तो समझना है हम एक ऐसे ही अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे हैं और हम बाहर तभी निकलेंगे जब ऐसा ज्ञान अंदर धारण करेंगे। योग पाया है आज सुबह की साकार मुरली, आधार है, स्वयं स्वयं को निकालना है। पहले तो यह ज्ञान कि मैं जो कर रहा हूं यह आलस की अभिव्यक्ति है। समय है जागने का, समय है कर्म का, समय है कर्मठ बनने का, समय है स्वयं को श्रेष्ठ पुरुषार्थ के स्थिति में ठीक उस निशाने पर स्थित करने का। और हम क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात की दिनचर्या, कितना उसमें उमंग है, कितना उत्साह है। सुबह सुबह उठते हैं तो कौन से संकल्प मन में आते हैं? दुख के, दर्द के, पीड़ा के, या श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प? कैसी स्थिति होती है सुबह से लेकर रात तक? बाबा ने कहा है दिल दर्पण में चेक करो, और एक शब्द जोड़ा बारंबार चेक करो। विचार धूल है, संकल्पों की धूल जमती है मन रूपी दर्पण पर। इसलिए बारंबार सतत निरंतर स्वयं की चेकिंग करते रहो। एक बार चेकिंग करने से नहीं होगा, कई बार, बार बार। जो मैं कर रहा हूं, जैसा जीवन चल रहा है, कहीं वो आलस का एक विशाल चक्रव्यूह तो नहीं? कहीं गफलत की नींद में तो नहीं? कहीं केयरलेसनेस तो नहीं? इसलिए अपने कर्तव्यों को याद करना है, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में एक शब्द है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, अर्थात हर व्यक्ति अपने आप से बात करे, अपना ही नाम ले और अपने आप से बात करे, तुम क्या कर रहे हो? जैसे वो मैं नहीं हूं, कोई और है, और अपना ही नाम लेकर स्वयं से बातें करनी है कि तुम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हो, लक्ष्य क्या है तुम्हारे जीवन का, किन उमंगों से आए थे, क्या क्या स्वप्न लेकर आए थे। याद करो वो दिन जब आए थे और कहां खो गया जीवन। क्या वैसा अमृत वेला हो रहा है जैसा होना चाहिए? एकदम अलर्ट, एकदम शक्तिशाली लाइट और माइट की स्थिति। क्या मुरली में वैसे हम सुन रहे हैं कि जो जो शब्द है बाबा का, एक एक शब्द जैसे मानस स्मृति पटल पर छप रहा है और उसके हम स्वरूप बन रहे हैं? कल की साकार मुरली यह रूहानी विद्या है, बिना ब्रह्मचर्य के धारणा होगी नहीं। क्या ऐसा अखंड अटूट ब्रह्मचर्य मेरा है? स्वयं को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए ज्ञान को बढ़ाना है, चिंतन को बढ़ाना है, मनन को बढ़ाना है, ए। दूसरा है बी, बी अर्थात बहानेबाजी। सारी मुरली चली कारण को निवारण में परिवर्तन करने के लिए। सुंदर महावाक्य है बाबा के कि कारण शब्द को आप सोचने से या सामने लाने से निवारण नहीं होगा। कारण शब्द को सोचने से, कारण शब्द को सामने लाने से निवारण नहीं होगा। कारण शब्द से क्या हो जाएगा? एक, पुरुषार्थ में अलबेले, दो, बंधन बन जाएगा और निवारण नहीं होगा। और कारण शब्द के ही कुछ और साथी भी है, तीन, ऐसे वैसे कैसे, दरवाजा बंद हो जाएगा।
दूसरा शिष्य ने बहाना बनाया कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे जाना है। कारण दिया और चला गया। ये एक आदत है, जब जब कुछ भी हो जाए कारण देना, ये हुआ इसकी वजह से हुआ, ये हुआ उसकी वजह से हुआ, ये जो हो रहा है ये परिस्थिति है उसकी वजह से हो रहा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ना स्थान बदलेगा ना व्यक्ति बदलेंगे ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। जहां हो, जिन लोगों के बीच हो, जिन स्थान पर हो, जहां जहां हो, वो कोई भी नहीं बदलेगा, बदलना तुम्हें पड़ेगा। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकतु होंगे, सारे बाबा के महावाक्य है। इस ब्राह्मण परिवार में ये ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। इसलिए इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा, इस परिस्थिति के कारण पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये स्थान अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, चाहे ऑफिस, घर, सेवा केंद्र कुछ भी हो, कारण देना, कारण को निवारण करो। कैसे करेंगे स्वयं ही सोचना है। कारण कारण करके चिल्लाते नहीं बैठना है। जितनी विपरीत परिस्थितियां उतनी ही आत्मा शक्तिशाली, जितना ही विरोध उतना ही आत्मा में बल भरता है। कमल अनुकूल परिस्थितियों में नहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में खिलता है। जितना जिसके जीवन में संघर्ष वो उतना आगे, जितने पेपर अधिक उतनी क्लास आगे, जितने विघ्न अधिक विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट उतने अधिक। इसलिए ये एक आदत सी है और एक चक्रव्यूह सा बन गया है कि हर चीज में कारण देना। अमृत वेला शक्तिशाली क्यों नहीं, ये कारण है। मुरली का चिंतन क्यों नहीं, ये कारण है। समय नहीं है, स्थान नहीं है, समय को चुराना है। क्या करना है, चुराना है। जो समय हमारा व्यर्थ बोलने में जा रहा है, साधनों में जा रहा है, व्यर्थ की बातों में जा रहा है, वो सारा समय यदि श्रेष्ठ चिंतन में लग जाए तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। और यहां पर जिसकी स्थिति श्रेष्ठ वही आगे है। इसलिए बहानेबाजी का यह चक्रव्यूह, कारण का यह चक्रव्यूह, इससे स्वयं को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, फिर से ज्ञान से, ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतन से। बाबा के महावाक्य है, वो गाय बहुत कम दूध देती है, कौन सी, जो जुगाली कम करती है। और सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है, जो ज्यादा जुगाली करती है। जो गाय विचार सागर, जो जुगाली नहीं करती क्या है, बीमार। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते क्या है, बीमार। तो दूसरा चक्रव्यूह है बहानेबाजी का। तीसरा सी, सी फॉर कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधाएं। यह जीवन साधना का जीवन है, तप का जीवन है। इसमें यदि कोई ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण बनने के बाद सुखों में, सुविधाओं में, विलासिता में डूब गई है तो वह तेज नहीं आएगा, वह तप का बल जमा नहीं होगा। जैसी साधना
ब्रह्मा ने की और दादियों ने की और मम्मा ने की, उस साधना में तप था, वैराग था, त्याग था। जब तक आत्मा सुखों के, सुविधाओं के इस शैया पर लेटी हुई है, उसे तप में क्या सुख है उसका कभी पता नहीं चलेगा। वो तीसरा शिष्य था, जैसे ही देखा कि तीन सिपाही आ गए तो राज पुरोहित बनने निकल पड़ा। सामने तपस्या का एक जीवन था, परंतु उसको आकर्षित किया राजसी सुखों ने। जब तक तप का बल आत्मा में नहीं भरेगा, निखार नहीं आएगा। भगवान के महावाक्य है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है और योगी तो आत्मा मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु जो योगी तो आत्मा है वो मेरा ही स्वरूप है। तो यदि ऐसे सुखों में, अनावश्यक सुखों में और अनावश्यक सुविधाओं में चेतना डूबी हुई है, उसको वहां से, उस चक्रव्यूह से बाहर निकालना है। भगवान के हम बने थे महान तपस्वी बनने के लिए, महान योगी बनने के लिए, भोगी बनने के लिए नहीं। जो संसार के भोगी है और हम जो है, हमारा और उनका जीवन अलग अलग है। ऐसा ना हो जाए कि वो और हम एक जैसे हो जाए। हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, अल्लाह लोक है, हम संसार से न्यारे हैं। हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, वो नहीं जो संसार की आत्माएं करती है। हम वो नहीं सुन सकते जो संसार के लोग सुन रहे हैं। कल की अव्यक्तवाणी, आने वाले टीचर्स से मुलाकात, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है। क्या सुन रहे हो दिन भर, उसका भी प्रभाव है। एक ही बाप से सुनो बस। तो तीसरा चक्रव्यूह है सुखों का और सुविधाओं का, सांसारिक सुख, लौकिक सुख, दैहिक सुख क्षणभंगुर है, अनित्य है, मिथ्या है, परंतु सत्य केवल भासते हैं, आदि अंत वाले हैं, अब है, अब नहीं है, चिरस्थाई नहीं। एक परमात्मा याद का ही ऐसा सुख है जो चिरकाल तक चलता है और आत्मा में बल भरता है। तो तीसरा सी, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। अगला है डी, दैहिक दृष्टि, दैहिक आकर्षण। आज सुबह की साकार मुरली, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। ये टेव लग जाए, ये अभ्यास करो, ये मेहनत करो, तो कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी। क्या करो? ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। भाई भाई को देखो। सारी आत्माएं हैं, सबसे बड़ा यही अभ्यास है। ये अभ्यास जब होगा तब वो देह का आकर्षण नहीं होगा, नहीं तो देह खींचेगा। देह के सुख, देह के भोग, देह की वासनाएं, देह की तृष्णाएं, देह का सौंदर्य खींचता है। तमो प्रधान देह है, भ्रम उत्पन्न करता है सौंदर्य का। और जहां
देह आ गया और देह का आकर्षण आ गया, बाकी सारी चीजें अपने आप आने लगती है। इसलिए क्या करो, इस देहिक आकर्षण के चक्रव्यूह से आत्मा को बाहर निकालना है। इतिहास में जितने युद्ध हुए, इतिहास में जितनी लड़ाइयां हुई, वो इसी वासना के कारण। स्वयं को आत्म केंद्रित करना, देह के वास्तविक स्वरूप को देखना। आज सुबह कहा देह की संभाल भी करो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इसके संभाल में डूब जाओ और साधना छूट जाए। डी, अगला ई, पांचवा चक्रव्यूह है इलेक्ट्रॉनिक्स। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात डिजिटल चक्रव्यूह। आग की तरह है, रोटी भी बन सकती है तो घर को नष्ट भी कर सकता है। साधन दिए हैं, विज्ञान के साधन तुम बच्चों के लिए है, प्रयोग करो ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए। परंतु ये छोड़कर यदि इन साधनों का प्रयोग व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का वार्तालाप, टाइम वेस्ट, इसके लिए यदि हो रहा है तो स्टॉप इट। जितना जितना उसका प्रयोग केवल सेवार्थ हो उतना ही अच्छा, नहीं तो उससे असंख्य नए नए संबंध बनेंगे, संबंधों में आकर्षण होगा और विकार आएगा, समय बर्बाद होगा, ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे और ऐसी ऐसी चीजें सुनेंगे कि उनका प्रभाव अवचेतन मन पर पड़ेगा और फिर सताएगा, याद दिलाएगा, स्मृति के रूप में आएगा। चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, केवल और केवल सेवार्थ, प्रयोग किया और छोड़ दिया। उसके पीछे इतने पागल नहीं हो जाओ कि साधना ही छूट गई। और ये चक्रव्यूह सारे विश्व में और ब्राह्मण परिवार में भी बहुत आत्मा को निगल गया है, निगल रहा है। सोने का समय बाबा ने निर्धारित किया है 10:30, आत्माएं लगी है उस पर। कब 11 बज रहे और कब 12 बज रहे पता नहीं चल रहा है। सारे दिन भर में भी योग का समय, तप का समय, चिंतन का समय उसमें जा रहा है। और ये एक कुचक्र है, एक बार उसमें गई आत्मा कि नीचे 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 नीचे, इसके लिए स्वयं को रोकना है, स्टॉप करना है, समय निर्धारित करना है। ये बस इतना ही समय करेंगे, बाकी समय वो ऑफ रहेगा। तो इस पांचवे चक्रव्यूह से स्वयं को बाहर निकालना है। जैसे वो शिष्य उस बाजार में चला गया और इतने सारे साधन उसने देखे और उन साधनों में ही फंस गया, पहुंचना कहीं और था परंतु रुक गया। तो हमारी इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में हम साधनों के वजह से कम ना फंस जाए या रुक जाए। अगला है एफ, एफ से तीन है। पहला फैमिलियरिटी, सिक्स्थ, फैमिलियरिटी का चक्रव्यूह। दोस्ती अच्छा लगता है,
ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है। सारी यात्रा यहां से चालू होती है और वो घनिष्ठता, वो फैमिलियरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, संपर्क बढ़ने लगता है, कॉन्टैक्ट, कनेक्शंस, रिलेशनशिप, और आत्मा को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। दोनों ही ज्ञानी आत्माएं, दोनों ही योगी आत्माएं, और दोनों ही योगी आत्माओं में घनिष्ठता, मैत्री, फैमिलियरिटी। और जिस दिन और जिस पल ज्ञान की तलवार बीच से निकल जाएगी, वहां पर पतन चालू होगा। इसलिए सारे संबंध डिटैच्ड, कोई भी देहधारी हमारा आधार नहीं है। इस संसार में एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी हमारा सगा नहीं है। जब जब किस किस को आधार बनाया, सहारा बनाया, किस किस के प्यार में फंस गए, तब तब उन्नति रुक गई है। एक अव्यक्त वाणी में टीचर्स बहनों से मुलाकात, बाबा ने कहा है टीचर्स को बहुत प्यार से सेवा करनी है। टीचर्स अर्थात केवल टीचर नहीं, बाबा ने सबको टीचर्स बनाया है। टीचर्स को बहुत प्यार से सेवा करनी है और किसी के प्यार में फंस कर सेवा नहीं करनी है। दोनों ही चीजें बताई। जब जब संबंधों में लगाव होता है, वो संबंध धीरे 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 नीचे गिरने लगता है। जिस जिस संबंध में जितनी डिटैचमेंट है, उस संबंध में उतनी फ्रेशनेस है। और वह व्यक्ति जिसके प्रति हमारा बहुत सत्कार है, सम्मान है, आदर करते हैं, जिसको हम मानते हैं, उससे तो बहुत ही ज्यादा डिटैच रहना, क्योंकि उससे यदि अटैचमेंट हो गई, अटैचमेंट के बाद फिर धीरे धीरे उसके अवगुण भी नजर आएंगे। हम हमेशा सुनाते हैं, और जो बात हमको बहुत अच्छी लगती है, शायद आपने सुनी होगी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक कहानी, शोशीर कविता, बंगाली में लिखी हो, द लास्ट पोएम। एक पुरुष है, एक स्त्री है, दोनों को आपस में बहुत प्यार है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं। स्त्री बहुत श्रीमंत है, पुरुष गरीब है, युवक। वो स्त्री कहती है मैं तुमसे शादी करूंगी, वो कहता है हाँ हम दोनों शादी करेंगे, पर वो कहती है शादी के बाद हम दोनों अलग अलग रहेंगे। वो कहता है अलग अलग, ये कैसी शादी है, फिर शादी क्यों कर रहे। वो कहती हाँ मेरी एक ही शर्त है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, परंतु शादी के बाद तुम्हारे लिए मैं एक महल बनाऊंगी, वो महल उधर होगा और मैं इधर होंगी, बीच में झील, कभी मिल लिए तो मिल लिए, तुम उधर से आ रहे हो मैं इधर से आ रही हूं, तुम इधर से नौका विहार मैं उधर से नौका विहार, हाय हेलो बस। वो कहता है ऐसी कैसी शादी है ये। वो कहती है देखो अगर शादी करनी है तो ऐसी ही करूंगी, हाँ अगर तुम चाहते हो किसी और से शादी कर लो तो कर लो, परंतु मैं तुम्हारी याद में संपूर्ण जीवन भर अविवाहित रहूंगी और तुम्हारी याद में रहूंगी। तो वो तो मुश्किल में पड़ जाता है। वो कहता है ये कैसी शादी है। वो कहती है दो व्यक्ति, हमारा जो आपसी प्यार है, यदि हम समान एक जगह आ गए, नजदीक आ गए, तो जो प्रेम है, शायद उस प्रेम में वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी, उस प्रेम में घृणा उत्पन्न हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूं कि ये प्रेम हमेशा ऐसा ही कायम रहे। इसलिए तुम उधर हम इधर, हम भी जहां है भले साथ में है, परंतु वो उधर और हम इधर, और बीच में झील। कौन सी झील? डिटैच्ड रिलेशनशिप। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, परंतु इमोशनल डिटैचमेंट, मेंटल डिटैचमेंट, इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट, ये जब डिटैचमेंट होगी तो वो संबंध लंबा समय तक चलेगा। अगर अटैचमेंट आ गई तो पहले तो भगवान वहां से चला जाएगा।
क्योंकि मोह विकार की श्रेणी है, प्रेम दिव्य गुण है। तो अपने संबंधों को अनासक्त, डिटैच्ड, प्रेम पूर्ण करते चलना है। प्रेम क्या है और मोह का क्या है, इसके अंतर को जानना है। कहीं गए, सेवा की, सबके सबसे साथ मिले, काम पूरा हुआ, बाय बाय, अब कोई लेना देना नहीं। चाहे घर में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र, चाहे ऑफिस, चाहे मधुबन में आते हैं या यहां रहते हैं, सभी के साथ है परंतु किसी के भी साथ नहीं है। बाजू वाला साथ है परंतु हम डिटैच्ड, वो उधर हम इधर, बीच में एक झील है, उस झील का नाम है बाबा। वो बीच में झील होनी चाहिए, तुम उधर हम इधर, तुम आए और हम आए। मैं तुम्हें आमंत्रित नहीं करूंगी, तुम मुझे आमंत्रित नहीं करोगे। नौका विहार कर रहे, मिल लिए बीच में, हाय हेलो ओम शांति और टाटा, हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। नहीं तो ये भी एक चक्रव्यूह है। जैसे वह शिष्य जैसे ही उस कन्या को देखा, सोचा अब थोड़े समय इसके पास रह जाऊं, और फंस गया। जैसे वो किसान, वो एक किसान को दोस्त बना लिया और वहीं फंस गया। अगला है फैशन, सेवेंथ चक्रव्यूह है कौन सा, फैशन। व्हाइट तो धारण कर लिया, व्हाइट में भी फैशन। वैसे तो ब्राह्मणों ने वो संसार के श्रृंगार छोड़ दिए हैं, परंतु कभी कभी देखने को आते हैं, सेंट, पाउडर, क्रीम, नेल पॉलिश, मेहंदी, गहने, ऑर्नामेंट्स, डाई। मराठी में एक कहावत है, केसांना वळण लावून देवानंद बनण्यापेक्षा हृदयाला वळण लावून विवेकानंद बनणे श्रेष्ठ। तो फैशन और फैशन की दुनिया, भगवान के महावाक्य है, सफेद साड़ी पहनी हो, बाल खुले हो, हाथ में मुरली हो, तुम हो राज ऋषि। तुम वो नहीं पहन सकते जो संसार के लोग पहन रहे। तुम्हारे चलन, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी रूहानियत श्वेत में है, निर्मल जीवन में है, पवित्रता में है। तुम वह रंगीन की दुनिया छोड़ चुके हो, कफन धारण किया है। कईयों को डर लगता है, परंतु जो निकल पड़े वो निकल पड़े इस मार्ग में, अब पीछे नहीं जाना है। महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, जिस जीवन को छोड़ दिया, जिस गंदगी से बाहर आ गए, जिस किचड़े से बाहर आ गए, उस गटर में फिर से नहीं जाना है। क्या श्रृंगारना है इस देह को, मलमूत्र से बना यह देह। ब्राह्मण आत्मा का श्रृंगार पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है, दिव्य गुण है, ना कि संसार का वह श्रृंगार। स्वयं को सजाना है पवित्रता से, ना कि संसार के उस छींची श्रृंगार से। श्रृंगार कर रहे हैं, अर्थात श्रृंगार कौन करता है, जो सुंदर है वो करेगा, जो असुंदर है वो करेगा। श्रृंगार कर रहे हैं अर्थात सुंदर नहीं है। विनोबा भावे के जीवन में एक वृत्तांत है, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक महिला थी जिसने गजरा पहना था। वो पूछते हैं, क्या यह गजरा तुम्हें दिखाई दे रहा है? वो कहती है, नहीं। तो क्यों पहना है, किस लिए पहना है? दिखाने के लिए।
यदि हम अपनी देह की तरफ किसी भी दूसरी आत्मा को आकर्षित करने के प्रयत्न करते हैं तो उस आत्मा को विकार की गर्त में डालने के हम निमित्त बन रहे हैं। यदि हमारी देह हम ऐसे रखते हैं कि जिससे दूसरी आत्मा के ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है तो महापाप की श्रेणी है। इस चक्रव्यूह से स्वयं को बाहर निकालना है। श्वेत में बल है, पावर है। अगला चक्रव्यूह फूड अर्थात भोजन, वो भी एक जबरदस्त चक्रव्यूह है। एक वह आत्मा है जो जीने के लिए खा रही है और एक दूसरी आत्मा है जो खाने के लिए जी रही है। मैं कहां हूं? ब्रह्मा भोजन करते करते ये संकल्प लाना है, मैं किस लिए कर रहा हूं। वह जो गरिष्ठ भोजन है, जो इंद्रियों को चंचल करने वाला है, जो सम्यक भोजन नहीं है, जो सम्यक आहार नहीं है, जिस आहार से इंद्रियों में चंचलता निर्माण होती है, दृष्टि वृत्ति में चंचलता निर्माण होती है, वो सात्विक आहार नहीं। हम कितना भी ब्रह्मा भोजन के नाम पर उसे खाए, परंतु यदि वो इंद्रियों को चलायमान कर रही है, जो स्वाद के वश होकर किया जा रहा है, उतना किया जा रहा है जितनी उस देह को आवश्यकता नहीं है, जो रसेंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वो जनेंद्रियों को वश में कैसे करेंगे? आहार, सम्यक आहार अर्थात जिससे प्रमाद और निद्रा ना हो, जिससे चंचलता ना हो और जो शरीर का पुष्टि वर्धन करे, ये तीन चीज आहार में होनी चाहिए। ऐसा आहार जो लेते ही नींद आ जाए, इतना खा रहे इतना पेट में डाला जा रहा है जितनी इस शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। हमारी ओपीडी में एक बार एक साधु आया था, कह रहा था मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो, तीन बार भोजन करते हो, चार बार टोली खाते हो, क्या ये योगी जीवन है? संसार का एक बाहर का साधु। योगी अर्थात संयमित आहार, मित आहार, मॉडरेट डाइट, कंट्रोल्ड इन डाइट, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वास्थ्य से परे, बाबा के महावाक्य है। भोजन भी एक चक्रव्यूह जैसा बन सकता है, जैसे वो शिष्य रुक गया उसी गांव में जहां पर स्वादिष्ट भोजन रोज रोज मिलता है, फिर वो आश्रम का भोजन फीका लगने लगा। रूहानी खात्री आज कहा सुबह, ज्ञान योग ही जबरदस्त भोजन है, इससे ऊपर और कोई भोजन नहीं। अगला नौवा, गॉसिप्स, झगमोई झरमोई। वो जो एक शिष्य था जिस गांव में वो रुक गया, क्या सुना उसने कि तुम्हारे वहां के जो इंचार्ज हैं वो ऐसा ऐसा है, इधर की बातें, उधर की बातें, यहां की बातें, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसी में लगे हुए। करना क्या था और कर क्या रहे? यूनान के सोक्रेटिस के जीवन में वर्णन है थ्री फिल्टर टेस्ट। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आता है और वो कहता है कि आपने सुना है उसके विषय में ऐसा ऐसा हुआ है। सुकरात कहते हैं रुको एक मिनट, तीन प्रश्न है,
उसके बाद ही सुनाना। 3 फिल्टर टेस्ट। पहला, जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या तुम्हें पता है वो सही है, 100% ट्रू है, सत्य है? वो कहता है नहीं, वैसे मैंने ये सुना है। अच्छा ठीक है, ये पहली बात। दूसरा, जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो वो अच्छी है या बुरी है? वो कहता है वैसे बात तो बुरी है। कहता है ठीक है। दो, तीसरा, जो बात तुम मुझे सुनाने जा रहे हो उससे मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? वो कहता है फायदा तो ऐसा कुछ है नहीं। तो होता है बस फिर मुझे मत सुनाओ। 3 फिल्टर टेस्ट। जब भी कोई आ जाए उमंग उत्साह के साथ, अरे तुमको पता नहीं तुम यहां रहते हो और बाजू में क्या हो रहा है तुमको पता नहीं, इस भाई का क्या हुआ, उस बहन का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। तुम कोई जज नहीं या धर्मराज नहीं। झरमोई झगमोई का चक्रव्यूह, हमेशा ताक झाक, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, इस सेवा केंद्र में उस सेवा केंद्र में, इस डिपार्टमेंट में उस महकमे में, इसके घर में उसके घर में, इस ऑफिस में उस ऑफिस में, ये सारी बातें पर चिंतन और पर दर्शन को जन्म देती है। कोई कहते हम सुनते तो नहीं है, हमको सुनाते हैं, परंतु पर चिंतन पर दर्शन रोमिंग की तरह है। पैसे कटेंगे यदि सुनोगे तो भी कटेंगे। झगमोई झरमोई के चक्रव्यूह से स्वयं को बाहर निकालना। यदि अर्ध ज्ञान है, अर्ध हाफ नॉलेज है, तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ, स्वयं को बताओ पर चिंतन पतन की जड़ है, हे मूर्ख मन क्या कर रहा है, स्वयं से बातें करनी है। सारा रामायण तुलसीदास ने स्वयं से बातें की है। अरे तुलसीदास क्या चाहिए, राम या काम? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने ये रामायण अपने सुख के लिए लिखा है। स्वयं स्वयं से बातें करनी है। क्या कर रहे हो? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन किसका चिंतन कर रहे, उस गोविंद का चिंतन कर। अंतिम कौन बताएगा, लास्ट, वो जो शिष्य था अंतिम शिष्य, क्या हो गया उसके साथ? क्या हुआ? वो घर चला गया वापस। जैसे ही दूसरों ने कहा कि तुम्हारे सारे शिष्य तुम्हारे सारे साथी छोड़ के चले गए, उसको हर्ट हुआ, दुख हुआ। लास्ट है एच, 10th चक्रव्यूह। एच अर्थात साइकोलॉजी में कहा जाता है, मनोविज्ञान में, हाईली सेंसिटिव नेचर पर्सनैलिटी, HSP अर्थात अति संवेदनशील व्यक्तित्व, अर्थात फीलिंग देवी। किसी ने कुछ कहा उदास, किसी ने कुछ कहा आंसू, आंसू तो जैसे यहीं रखे है, बस बटन दबाने की देरी है, बटन दबा और आंसू बहने चालू। रूठना रूसना नाराज होना अत्यंत सेंसिटिव नेचर। अध्यात्म अर्थात इस मार्ग पर सिक सिक झुक झुक मरमर कदम, हर कदम में मरना है। और यदि व्यक्ति बार बार उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है, सेंसिटिव नेचर है, HSP है, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी बनकर है, तो वो अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकता। हाँ, संसार में माना जाता है कि सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, परंतु कौन सी संवेदनशीलता, इस तरह की नहीं जिसमें आंसू आ जाए बार बार। मौजों के नजारों का ये युग है, कल की मुरली। मौजों में जीते हो, मौजों में खाते हो, मौजों में उठते हो, मौजों में बाप को याद करते हो, दुख कहां का?
अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 1987। योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। क्या लानी पड़ेगी? कहां मिलेगी धूप? घर में दुबक के बैठे हुए हैं, बाहर निकलना पड़ेगा। योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। तो यह ब्राह्मण जीवन अर्थात धधकती हुई अग्नि पर चलने का मार्ग है। यहां पर कमजोर होकर नहीं चलेगा, बकरी बनकर नहीं चलेगा, शेरनी बनना पड़ेगा। किसी ने कहा, कोई आया, कुछ कह दिया, उदास। किसी ने कुछ व्यवहार गलत कर दिया, उदास। परिस्थितियां थोड़ी सी हलचल में आ गई, हम हलचल में आ गए। बात बात पे उदासी, बात बात पर रूठना, नाराज होना, बात नहीं करना, मूड ऑफ। क्या ये एकर स्थिति है? नहीं। तो पहले तो समझना है कारण क्या है, फिर उसका निवारण कर सकेंगे। ये सारी 10 चक्रव्यूह आपको बताए, ए बी सी डी ई एफ, एफ से 3, जी और एच। यदि मैं आत्मा इनमें से किसी भी एक चक्रव्यूह में फंसी हुई हूं, तो मुझे स्वयं स्वयं को बाहर निकालना है। उत्थिष्ट भारत, कोई दूसरा नहीं आएगा, मुझे स्वयं ही स्वयं को जगाना है। यदि स्वयं को अब नहीं जगाएंगे, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, फाड़ फाड़ कर, दिल फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा। तो सभी योग युक्त होकर बैठेंगे। अभी हम कुछ योग का अभ्यास करेंगे। जिन 10 चक्रव्यूह की चर्चा अभी की, एक सूचना है, ट्रॉमा हॉस्पिटल में एक अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता है। जिनका भी ब्लड ग्रुप ए निगेटिव होगा, वो कृपया वहां पर पहुंचे, और जो हमारे भाई या बहन होंगे वहां पर, उनकी यह मदद अवश्य करें। ए निगेटिव, ए आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे। आज सुबह वरदान में बाबा ने कहा, सारे विस्तार को एक सार में समा दो। मैं आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, एक बिंदु में सारा सर्व संपूर्ण संसार समाया हुआ है। स्थूल देह में विराजमान चेतना की वह तपस्वी तरंग मैं हूं। संपूर्ण मौन, आत्माभिमानी स्थिति, कोई आवाज नहीं, वातावरण में निस्तब्धता। चहुओर अव्यक्त प्रवाह, ऋषियों में राज ऋषि, तपस्वियों में महातपस्वी, त्यागियों में महात्यागी, मैं एक
प्रकाश पुंज हूं। इस पार्थिव शरीर को यहीं छोड़ जा रही हूं ऊपर, फरिश्ता स्वरूप बिंदु बनकर सारे विस्तार से परे है। नीलांबर से पार, सूरज चांद सितारे निहारिका सबसे परे, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा सम्मुख शक्तिशाली दृष्टि अनंत पवित्रता की धाराएं बाप दादा की दृष्टि से मुझ आत्मा पर गहन अनुभव परमात्म वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। भगवान के अव्यक्त महावाक्य बच्चे संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा भव कौरव सेना के बिछाए सभी चक्रव्यूह से मुक्त भव भगवान की समीपता का अनुभव बाबा से रूहान संपूर्ण एकांत मन में संपूर्ण समर्पण भाव सब कुछ सौंप दिया। एक से प्यार, एक तुम्हारी याद, एक ही लगन, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण बाबा एक तुम ही। प्रभु प्रेम की वर्षा हो रही है, आत्मा डूबी जा रही है, मैं जो हूं
जैसा हूं तुम्हारा हूं। बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथों में दे दिया है। ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह, अलौकिक शक्तियों की अनुभूति, सूक्ष्म देह, संपूर्ण हल्कापन, अव्यक्त स्थिति, अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे आता हूं, वापस इस स्थूल देह में, विशाल डायमंड हॉल मेरी आंखों के सामने एक विशाल स्क्रीन है। मैं देख रहा हूं अपने संपूर्ण ब्राह्मण जीवन को, ब्राह्मण जन्म से लेकर अब तक, दिखाई दे रहा है आलस का, अलबेलेपन का चक्रव्यूह, आज देख पा रहा हूं कारणों को, कौन सी विस्मृति है, क्यों फंसा हूं इसमें, प्रकाश आ रहा है, ज्ञान की समझ, और मैं आत्मा इससे मुक्त हो रही हूं। बहानेबाजी का यह दूसरा चक्रव्यूह, क्या ये आदत तो नहीं बन गई, महान पुरुषार्थ का संकल्प, स्वपुरुषार्थ का खाता, शक्तिशाली प्रतिज्ञा, और आज से जीवन में कोई शिकायत नहीं, कोई बहाने नहीं, और इस चक्र से भी मैं बाहर हूं। अब दिखाई दे रहा है यह तीसरा चक्रव्यूह, जहां एक तरफ कभी तापसी जीवन था, कहीं विषयों के भोग में तो नहीं खो गया, मुझे फिर से तपस्वी को जगाना है, स्वयं के अंदर छिपे हुए तपस्वी को, हे योगी जाग, तीसरा, अब चौथा चक्रव्यूह, यह नश्वर देह,
मैं इसके आकर्षण से परे हूं। अमर आत्मा को देखने वाला, अमर पद को पाने वाली मैं आत्मा इस क्षणभंगुर देह से परे हूं। पांचवा चक्रव्यूह, ये साधनों की दुनिया, कहीं यही बाधा तो नहीं? कितना समय, कितनी शक्ति ऊर्जा व्यर्थ तो नहीं जा रही? छठवा चक्रव्यूह, संबंधों में यह घनिष्ठता, क्या जिसे मैं सेवा कह रहा हूं, सेवा का संबंध कह रहा हूं, विकार तो नहीं? अगला चक्रव्यूह, इस संसार की यह फैशन, जिस दुनिया को मैं छोड़ आया हूं, अब मुझे पुनः वहां नहीं जाना। क्या मेरा आहार एक योगी का है, या डूब चुका हूं स्वाद में? कहीं ये भोजन ही चक्रव्यूह तो नहीं बन चुका है? देख रहा हूं अब अपनी दिनचर्या को, कहीं पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, झरमोई झगमोई में तो नहीं लगा? मेरा समय किस लिए है और मैं क्या कर रहा हूं? अंतिम क्या योग ने मेरे हृदय को इतना मजबूत नहीं किया कि स्थिति अचल नहीं बनी? कब तक इस सेंसिटिव नेचर को लेकर चलूंगा? कब तक इन आंसुओं में जीवन को बहा रहूंगा? आंसुओं की यह बाढ़ मेरे ब्राह्मण जीवन की खुशी को बहा ले जा रही है। मैं अचल अडोल आत्मा हूं, इन सभी चक्रव्यूह से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता हूं। इसी संकल्प के साथ आज से एक नव प्रभात, नव जीवन, नव उमंग उत्साह से अपने जीवन की इस यात्रा को आरंभ करता हूं। मैं निर्भार फरिश्ता हूं, बेफिक्र बादशाह, सभी खजानों से संपन्न,
ओम शांति।